हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी निरंतर तरीके से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं, आज हम इस क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं क्लास कक्षा 9th। क्लास क्लास इस क्लास में 9th क्लास, और चैप्टर नंबर है बच्चों आपका 6। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऊतक। तो इससे पहले की वीडियो में पहले की जो पढ़ाई है चैप्टर 1 से लेकर 5 तक पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ। तो RS हिस्ट्री पॉइंट 10 साइंस क्लासेस बाई RS सर। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ऊतकों को परिभाषित कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए या ऊतक किसे कहते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखते हैं ऊतक क्या होते हैं। ऊतक को बच्चों इंग्लिश में अपन टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है। और यदि बात की जाए तो ऊतक होते हैं वो ऊतक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल ग्रुप को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं बच्चों। सेल का जो ग्रुप होता है उसे ही ऊतक कहा जाता है। तो देखते हैं कि ऊतक है तो ऊतक के थोड़े बारे में अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि ऊतक होता क्या है। तो देखते हैं ऊतक है, ऊतक इसको इंग्लिश में ऊतक को टिश्यू कहते हैं। और जो ये समूह होता है, जो सेल होती है, सेल माने कोशिका होता है बच्चों, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं बच्चों? ऊतक कहते हैं। और इसका जो स्त्री होती है, इसका अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन करना ऊतक विज्ञान कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चों? ऊतक विज्ञान इंग्लिश में बच्चों कह सकते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप परिभाषा इसके, ऊतक किसको परिभाषित कीजिए, तो कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं क्या बच्चों? कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो रचना कार्य उत्पत्ति में समान होता है, कोशिकाओं का समूह रचना कार्य उत्पत्ति में समान होता है बच्चों, से ऊतक कहते हैं, इसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, प्रश्न नंबर 2, एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं बच्चों। तो इसमें आपका एरियोलर टिश्यू है। क्या है बच्चों? एरियोलर टिश्यू। एरुलर ऊतक के कार्य लिखिए। तो एरुलर ऊतक होते हैं, उसके कई कार्य होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 2 अंगों के बीच रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। जो एरुलर ऊतक होता है, एरुलर जो टिश्यू है, जो 2 अंगों के बीच जो रिक्त स्थान बचता है बच्चों, उसको पूर्ण करता है। कौन? एरुलर टिश्यू। एरुलर टिश्यू 2 अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। नंबर 2, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। इसके ठीक बाद दूसरा अपना इसका कार्य है कि जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, इन्हें इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे मान के चले हार्ट है, लंग्स है, उसके बाद जितनी भी आर्टरी एंड वेंस हैं, और उसके अलावा अपने स्टोमक है। तो क्या है? ये इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग है। तो आंतरिक अंगों को ऊतक होते हैं वो सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आंतरिक अंगों को एरुलर ऊतक है वो सहारा प्रदान करते हैं। नंबर 3, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। ऊतकों की जो मरम्मत होती है, ऊतक बनते हैं, उनकी मरम्मत रिपेयरिंग की जाती है, उसमें भी ये सहायता प्रदान करते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं। फ्लोएम है बच्चों, फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम कितने होते हैं? जाइलम और फ्लोएम ये 2 होते हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं बच्चों? पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम होता है, फ्लोएम के संगठक कौन कौन से हैं? फ्लोएम है, फ्लोएम किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं? तो ये फ्लोएम के 5 अवयव होते हैं। नंबर 1, चालनी नलिकाएं। पहला है चालनी नलिकाएं, दूसरा है चालनी कोशिकाएं, तीसरा साथी कोशिकाएं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। ये होते हैं आपके 5 अवयव होते हैं, जो फ्लोएम के संगठक होते हैं, जिन जिनसे फ्लोएम मिलकर बने होते हैं बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये आपका पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। हृदय रोग विशेषज्ञ के 3 लक्षण लिखिए। हृदय रोग होता है जिसमें ऐसे व्यक्ति जिनमें हृदय रोग होता है, उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो हृदय रोग विशेषज्ञ के कोई 3 लक्षण बताइए। प्यारे बच्चों, अभी तक RS हिस्ट्री पॉइंट 10 साइंस क्लासेस बाई RS सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो बच्चों इसे शेयर कर दीजिए।
हृदय रोग विशेषज्ञ के तीन लक्षण निम्नलिखित होते हैं। नंबर एक, हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। हृदय की पेशी होती है वो अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। नंबर दो पॉइंट है, पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। कोशिका बेलनाकार व केंद्रक व शाखायुक्त होते हैं। कोशिकाएं होती है इसकी बच्चों, वो बेलनाकार होती है व केंद्रक शाखायुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है? कोई तीन लाभ लिखिए। पौधे होते हैं तो पौधों में ट्रांसपीरेशन बाष्पोत्सर्जन होता है, उससे क्या क्या लाभ होते हैं? पौधों में बाष्पोत्सर्जन से लाभ, नंबर एक, जल के संवहन में भूमिका निभाता है। बाष्पोत्सर्जन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन हुआ है, बाष्पोत्सर्जन जल के संवहन में भूमिका निभाता है। नंबर दो, वातावरण में नमी बनी रहती है। नंबर तीन, आंतरिक जल को बाहर निकालने में सहायक होता है। कौन? पौधों में बाष्पोत्सर्जन आंतरिक जल को बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करता है बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बहुकोशिकी जीवों में ऊतक की क्या भूमिका होती है? बहुकोशिकी जीव होते हैं, जैसे आपने देखा हुआ एक कोशिकी जीव को यूनिसेलुलर एनिमल कहते हैं। एक कोशिकी जीव को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिसेलुलर। बहुकोशिकी जीव को कहते हैं बहुकोशिकीय बायोसेलुलर। क्या कहते हैं? बायोसेलुलर। तो इसमें अपन बात करेंगे बच्चों, प्रश्न दिया हुआ है बहुकोशिकी जीवों में ऊतक की क्या भूमिका होती है, अर्थात बायोसेलुलर जीव होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकी जीव होते हैं उनमें कई लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बड़े होते हैं उन्हें बहुकोशिकी जीव कहते हैं। तो बहुकोशिकी जीव होते हैं उनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर मिलकर ऊतकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न कराती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं जो परस्पर मिलकर विशेष कार्यों को संपन्न कराती हैं। मनुष्य तथा पशु पक्षियों में पेशी ऊतक के द्वारा चलन व गति होती है। मनुष्य पशु पक्षी उन्हें पेशी ऊतक के द्वारा चलन व गति होती है। तंत्रिका ऊतक संवेगों संदेशों का वहन करता है। तंत्रिका ऊतक होता है, नर्वस टिश्यू होता है, वो संवेगों संदेशों को वहन करता है। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन ऊतकों के द्वारा होता है। पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? टिश्यू के द्वारा होता है। पौधों में तथा जंतुओं में दृढ़ता ऊतकों के कारण होती है। जंतुओं में कंकाल का निर्माण ऊतकों के माध्यम से ही होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारा जिस प्रकार से हमने घर बनाया वो घर किससे मिलकर बना हुआ है? ईंटों से। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। कोशिकाएं मिलकर आपस में कोशिका होती है, वो कोशिका एक दो दो से चार, चार से छह, ऐसे होकर कोशिकाएं बना लेती है। कोशिकाएं इकट्ठी होकर वो अपना समूह बना लेती है। प्रत्येक कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो वो समूह को सम्मिलित रूप से बच्चों कहा जाता है टिश्यू, ऊतक कहा जाता है। और ऊतक के जो अध्ययन है, ऊतक का जो अध्ययन होता है उसको बच्चों कहते हैं हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है, या पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो पौधों की संपूर्ण बाहरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी संपूर्ण बाहरी सतह होती है वो किससे ढकी रहती है? एपिडर्मिस से ढकी रहती है। एपिडर्मिस पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य को करती है। और एपिडर्मिस होती है जो पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे यह पौधों के बाहरी भाव की रक्षा करती है। एपिडर्मिस है जो पौधों के बाहरी भावों की रक्षा करती है। नंबर दो, यह परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। जैसे इसमें परजीवी कवक होते हैं वो प्रवेश कर होते हैं पौधों में, तो इसकी भी रक्षा करती है। नंबर तीन, यह जल हानि को रोकने में सहायता करती है। पेड़ पौधे एपिडर्मिस क्या करते हैं? जल हानि को रोकने में सहायता प्रदान करती है। नंबर चार, एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। नंबर फाइव है, यह बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधों के ताप को भी नियंत्रित करती है। बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की जो रिएक्शन होती है उसके द्वारा पौधों के जो पौधों का टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करती है। कौन? पौधों की एपिडर्मिस, जो बाहर की पेड़ पौधों की जो बाहरी परत होती है। इसके बाद बच्चों आपका अंतिम प्रश्न है, पेशियों से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, रेखित व अरेखित पेशी को समझाइए बच्चों।
तो पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती हैं। पेशियां हैं वो किसके लिए आवश्यक होती हैं बच्चों? शरीर की गति के लिए, इन्हीं के द्वारा पेड़ पौधे मतलब गति कर सकते हैं। जो संकुचन व शीतलन द्वारा क्रिया करती हैं। पेशियां निम्न तीन प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। पेशियां कितने प्रकार की होती है बच्चों? तीन प्रकार की होती हैं, जिन्हें रेखित, अरेखित, हृदय पेशी के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं बच्चों इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो रेखित पेशी, रेखित पेशियों का संकुचन व शीतलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है। जो रेखित पेशी होती है उनका सिकुड़ना और फैलना जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी को जो ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। कंकाल से जुड़ी होने के कारण इसे कंकाली पेशी भी कहा जाता है। ये रेखित पेशी है जो कंकाल से जुड़ी होती है, स्केलेटन से जुड़ी होती है, तो इसीलिए इसे रेखित पेशी को कंकाली पेशी भी कहते हैं। उदाहरण जैसे मान सकते हैं हाथ और पैर की पेशियां, हाथ पैर की पेशियां होती हैं जो किसी भी बनी हुई किससे जुड़ी, कंकाल से जुड़ी हैं, तो कंकाली पेशियां भी जान कहते हैं इसे। अगला है अरेखित पेशी। क्या बच्चों? अरेखित पेशी, अरेखित पेशियों का संकुचन व शीतलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो अरेखित पेशी है उनका संकुचन व शीतलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इन्हें चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण शरीर के आंतरिक भावों की पेशियां, शरीर में जो भी आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक मतलब हमारी बॉडी के भीतर जो पेशियां पाई जाती हैं उन्हें आंतरिक पेशियां कहते हैं। तो लिखा हुआ है उदाहरण शरीर के आंतरिक अंगों की जो पेशियां होती हैं वो अरेखित पेशी के अंतर्गत आती हैं बच्चों। तो यदि बच्चों आपको हम जो पढ़ा रहे हैं साइंस, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें, जिससे हमको भी पता चले कि बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि आज की जो वीडियो अजय सर के माध्यम से जो मैथ क्लास की पढ़ाई गई थी, तो उसमें अभी बच्चों ने कमेंट्स किया है, उनको हमने बोल दिया है कमेंट्स के माध्यम से कि बच्चों आप किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं ले। यदि आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, जिससे हम आपका समस्या का समाधान समय से पूर्व कर सकें। जय हिंद, जय भारत।